नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सीमा प्रिया आपके सामने आ गई हूँ। आप भी आ जाइए। और ये मेरी माँ ने मुझको भेजा है, इसके साथ एक डेयरी मिल्क भी था, वो मैंने खा लिया। तो बाद में मुझे याद आया, अरे मेरे व्यूअर्स को, मेरे फ्रेंड्स को मैंने ये नहीं शेयर किया। तो मेरे हस्बैंड गए थे, मेरे मई का एक काम था और उनके हाथ में मेरे माँ ने भेज दिया है। तो धन्यवाद माँ। और मेरे पास एक क्या है, तुम्हारी एक रेसिपी है, वो सेम के फली बनाए थे, तब ठंड था, ठंड के मौसम था, वो मैंने क्लिपिंग ले लिया था, मेरे मोबाइल में है, अब मैं अपलोड करूँगी और तुमको डेडिकेटेड करूँगी, वही तुम्हारे हाथ से बनाया हुआ रेसिपी। मैं सभी मेरे फ्रेंड्स को दिखाऊँगी, शेयर करूँगी पृथ्वी के सभी माँ को, वही रेसिपी, एक बंगाली स्टाइल का, वो सेम के फली बनाए थे, वही रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाप देकर सेम के फली को 50% पका लिया है मेरी माँ ने। और सिरबट्टा के ऊपर देख रहे हो जो मसाले, इसमें है 1 टीस्पून सादा सरसों, 1 टीस्पून काला सरसों और कद्दू यानी सीताफल का बीज और 3 हरी मिर्च। इन चीज़ों को मिलाकर में पीसो तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, एक देसी स्टाइल का स्वाद आती है। तो मेरे माँ के पास मिक्सर ग्राइंडर है, फिर भी माँ सिलबट्टा इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए पेस्ट बनकर तैयार है सीम के फली बनाने के लिए। और 1 हरी मिर्च फाड़ के बीच में सफर के दे दिया है और भाप दे चुका हुआ जो सीम के फली है वो आप थोड़ा सा तेल में तल लेंगे, क्योंकि उसका जो एक कच्चापन रहता है, थोड़ा सा कच्चापन हट जाने के लिए, और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी मेरी माँ ने दे रही है, अब तो देख रहे हो। तो ये एक बंगाली स्टाइल का बनाया हुआ सेम के फली का स्पाइसी, सेम के फली बोलते हैं, सेम के फली का झाल बोलते हैं। तो इस तरह मेरी माँ ने बनाते हैं, मैं मेरी माँ के पास से सीखी हूँ ये रेसिपी, कभी कभी ससुराल में मैं बना लेती हूँ। तो अब थोड़ा सा जो चीनी होता है वो शक्कर दे रही है, बस थोड़ा सा ही, क्योंकि इस ये रेसिपी में चीनी जाता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, तो बस थोड़ा सा ही। और ये जो पेस्ट मैंने बनाए थे कटोरी में, वो कटोरी में मैं फिर भी रिपीट करती हूँ, जो कद्दू का जो बीज होता है, कोई कोई सीताफल भी बोलते हैं, तो सीताफल के गूदा में जो बीज रहता है, बीच में से जो गूदा होता है और जो बीज रहता है, वही बीज और थोड़ा सा सादा सरसों और 3-4 हरी मिर्च सिलबट्टा में पीस कर पेस्ट बनाया था। और उसमें कटोरी में ले रही थी स्वाद अनुसार नमक हल्दी, और उसको दे चुके हैं मेरी माँ ने सीम के फली के अंदर कढ़ाई में। तो अब तो देख रहे थे, थोड़ा सा भूनने के बाद ये पेस्ट दे दिया है, और इसको पक जाने के लिए थोड़ा सा बाहर से जो पीने वाला पानी है, वो पीने वाला पानी मैंने मेरी माँ ने दे दिया है, और ऊपर से अब दे रहे हैं थोड़ा सा उतरने के पहले थोड़ा सा सरसों का तेल ऊपर से दे रहे थे, क्योंकि इसमें स्वाद और भी बढ़ जाता है। और कुछ ड्राई सा ग्रेवी रहता है, बस यही रेसिपी था। ये बिल्कुल बंगाली स्टाइल से बनाया हुआ सेम के फली का झाल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।